ये कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपनी पालतू सीट गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, पालतू सीट, और मैं भी वहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। 16x16 कमरा 10-15 लाख रुपए खर्च कराने को मंदिर नहीं कहते। फैसला आए कब हो गया? और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे मंदिर बना है, योगी कहने पे नहीं बना। जो बेशर्म लोग जनता के मरने में चीखों पे, पुकारों पे, आवाजों पे नहीं बोलते थे, छात्रों को लाठी मारी गई तब नहीं चीखे, आज वो दलाली करके आके सपा में बैठ जाए पैसा देकर, तो क्या उसे बेशर्मी नहीं कहेंगे? कुलदीप सिंह को जान देखिए आप, क्यों किस पार्टी से था, कहाँ गया, रेप किया, बचा रहा, बेशर्मी किया, आग लगा दी उस लड़की को। कांग्रेस AIM को सपोर्ट कर रहे हैं हाँ। कांग्रेस AIM को हाँ। उसका रीजन है, उसका हमारा एक मतलब है, मतलब ये है कि वो दोनों पार्टियां जो कहीं वो करी, गामा पंडित को टिकट मिला, महिलाओं को टिकट मिला, बेरोजगारों की बात हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं News MX, मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल बज चुका है, तमाम पार्टियां जो है टिकट बंटवारा शुरू कर दिए। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे, वहीं अखिलेश यादव का कयास लगाया जा रहा है कि सैफई से लड़ेंगे या आजमगढ़ से लड़ेंगे। वहीं जो अभी जो हॉट सीट बना हुआ है गोरखपुर, जो हॉट सीट बना हुआ है, योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, इसे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मोहन जी जुड़े। मोहन जी, क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ का कयास लगाया जा रहा था, पहले कहा जा रहा था मथुरा से लड़ेंगे, फिर अयोध्या हुआ, अब वो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या संत क्या सोच रहे हैं? साधु संत, भागती भूत के लंगोटे सही हाँ। अब भाग रहे हैं, मथुरा जाएंगे हाँ। फिर अयोध्या में मथुरा के साधु ने कहा भागो हाँ। तुमने मुसलमान को बदनाम किया, तुमने मथुरा नगरी को बदनाम किया। अरे कहाँ गए वो संगीत सोम जो वो केशव दलाल थे ना, मुकेश मौर्य जो गोद में उठाए थे अभी कुछ दिन पहले। ये कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपनी पालतू सीट गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, पालतू सीट, और मैं भी वहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भगदड़ क्यों मची हुई है समाजवादी पार्टी और भाजपा में? ये सास भी कभी बहू वाला खेल क्यों चल रहा है, खेला क्यों हो रहा है? भाजपा और सपा कहीं मिल तो नहीं गए हैं? समझना पड़ेगा किसानों को भी, युवाओं को भी। बड़ा सवाल खड़ा कर रहे, भाजपा और सपा एक कैसे हो गए? अच्छा बताइए, सपा छोड़ के जो लोग भाग रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? भाजपा में, सही ना? और भाजपा जो छोड़ के जा रहा है वो सपा में जा रहा है, वो एक राष्ट्रवादी बनने जा रही हैं बहू जी हाँ। और सर्वदाद मौर्य जी दामाद बनने आ रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे मलाई बटी है सत्ता की। कौन सी मलाई, कौन सी मलाई? जो पैसे बटे हैं, पुल जो टूटे हैं, रोडों का पैसा है या ऑक्सीजन का पैसा है या PM केयर फंड का पैसा है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, बेरोजगारी दिवस के दिन कोई पकोड़े तल रहा है सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी लाई भूंज रहे हैं, कोई चाय पिला रहा है। ठीक है, अहम सवाल आपने कहा, कहा कि आपने कि सपा और भाजपा मिल गए, बड़ी पार्टी है तो इधर से जो छूटेंगे उधर जाएंगे, उधर से छूटेंगे इधर आएंगे, छोटी पार्टी में कोई मिलना चाहेगा? जनता का दर्द सुनेगा कोई हाँ। जो बेशर्म लोग जनता के मरने में चीखों पे, पुकारों पे, आवाजों पे नहीं बोलते थे, छात्रों को लाठी मारी गई तब नहीं चीखे, आज वो दलाली करके आके सपा में बैठ जाए पैसा देकर, तो क्या उसे बेशर्मी नहीं कहेंगे? किसी को बेटे के लिए टिकट चाहिए, किसी को बहू का करियर बनाना है, कहीं पे किसी को प्रधानमंत्री बनवाना है। अब मुलायम सिंह का बयान है लोकसभा में कि आप भी प्रधानमंत्री बन जाइए, मैं स्वीकार करता हूँ, तो आप समझ जाइए मिली भगत है। समाजवादी से क्यों परेशान हो गए, समाजवादी से हट रहे क्यों साधु संत? कांग्रेस AIM को सपोर्ट कर रहे हैं हाँ। कांग्रेस AIM को हाँ। उसका रीजन है, उसका हमारा एक मतलब है, मतलब ये है कि वो दोनों पार्टियां जो कहीं वो करी, गामा पंडित को टिकट मिला, महिलाओं को टिकट मिला, बेरोजगारों की बात हुई, तो इनकी ही सरकार बना दो भैया, एक बार दिल रख के, और देखो रामराज्य। फिर क्या भाजपा जो रामराज कह रही है वो रामराज आपको नहीं दिख रहा? 16x16 कमरा 10-15 लाख रुपए खर्च कराने को मंदिर नहीं कहते। फैसला आए कब हो गया? और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट
के कहने पे मंदिर बना है, योगी कहने पे नहीं बना। अब आप लोग पता नहीं किसकी कहां से मैटर ले आते हैं, योगी ने ये कर दिया वो कर दिया, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है, हम चीखे चिल्लाए, लेकिन आपको सिर्फ मोदी और योगी की बात दिखाई देती है। जिस तरह से भाजपा कह रही है ना कि मंदिर बनना शुरू हो गया है, भाजपा तो शुरू से झूठ बोल रही है। चाहे देख लीजिए मकान के नाम पे हो, चाहे रोजगार के नाम पे हो। अरे अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ का बयान है, फूट फूट कर रोए थे जब सपा सरकार में गोरखपुर में पे हमला हुआ था। आज उनकी बहू को लेके आ रहे हैं, ये बहू को स्वागत कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, योगी आदित्यनाथ हो, सबकी कुर्सी हिल चुकी है और जनता भरोसा में इनको नहीं कर रही है। अच्छा आप तंज कस रहे हैं, जो तो अपर्णा यादव कह रही जहां जिसका मन होगा स्वेच्छा होगा उस पार्टी में शामिल होगा, दिक्कत तो कहां है आपको? तो गामा पंडित को भी धमकी क्यों दी जा रही है? और देखिए दो पार्टी है, एक छोड़कर वो भागे हैं, एक छोड़कर वो भागे हैं, कह रहे हैं वो लोग की भाग गए हैं, और एक पार्टी है जो उनको ब्राह्मण है, उनको ब्राह्मण चरा मानती है। तो आप बताइए, वो वहाँ गई धमकी नहीं मिली, गामा पंडित को धमकी मिल रही है, तो समझ जाइए खेल क्या है, खेल मिला हुआ है क्या? बहुत तगड़ा गेम है। समाजवादी पार्टी और भाजपा मिल चुके हैं और ये अगर कल को सरकार बना ले तो कोई बच्चे की बात नहीं है। बी टीम तो वैसे ही वो कहा जाता है, MIM पार्टी को कहा जाता है बी टीम है। देखिए राजनीति परिस्थिति में कौन किसका दोस्त हो कौन किसका दुश्मन हो ये लाइफ टाइम नहीं चलता है। और कोई बी और सी का गेम नहीं था, बी पार्टी तो इसे बसपा और सपा काम कर रही है भाजपा के लिए पूरा जिताने के लिए। हमें लगता है EDCBI का डर है, EDCBI का डर है, क्योंकि अभी EDCBI पड़ी है। मैं बोलने बोलने आपको बता दूं, मैं एक एक मुद्दे पे बात रख रहा हूँ। मुसलमानों की बात नहीं कोई करता है, जो मुझे मुसलमानों को गाली दी संविधान मौर्य वो आज सपा में है, मुसलमानों को धक्का दे दिया जाता है, दलित की बात कोई नहीं करता है, ब्राह्मणों की कोई नहीं सुनता है, बेरोजगारी कोई नहीं सुनता, किसानों को नहीं सुनता है। तो कांग्रेस किसानों की और युवाओं की और अवैसी हमारे मुसलमान ब्राह्मणों को एक साथ मिलाकर एक बार, तो अखिलेश यादव सौर समाज की बात करते हैं, वो सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो दिक्कत कहाँ है? ऐसे मंत्रियों को लेते क्यों है? अच्छा दिक्कत आपको स्वामी प्रसाद मौर्य से है? स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं है, और भी कई नाम आ रहे हैं। 100 से 150 नए चेहरे लाए गए हैं, 100 चेहरे नए भाजपा लेके आ रही है, और जितने दूर दूर विधायक थे ना जितने काम नहीं किया वो सब सपा में आ रहे हैं, अब वो काम करेंगे। कुलदीप सेंगर का देख लीजिए कैसा क्या किया उसने भाजपा में जाकर, क्या मजाक बना रख पूछने आते हैं आप लोगों से। कुलदीप सिंह को जान देखिए आप, क्यों किस पार्टी से था, कहां गया, रेप किया, बचा रहा, बेशर्मी किया, आग लगा दी उस लड़की को, मजाक मत बनाइए देश की जनता का। साधु संत अखिलेश के खिलाफ नहीं थे आप लोग, तो खिलाफ क्रोधित कर दिया संतों को, हम लोग कभी क्रोधित नहीं होते हैं। आज परशुराम बनने में मजबूर किया है, और इस ब्राह्मण को देखो दो चुटिया है, सुदामा बन के रह के लिए परशुराम बनने की बारी है। आप छोड़ने वाले नहीं है इनको, हम AIM और कांग्रेस निरपक्ष सरकार चलाएंगे, बाकी किसी भरोसा नहीं रह गया ब्राह्मण का। ब्राह्मण जिस तरह से कहा जाता है कि दिल्ली की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश से गुजरती है, तो योगी आदित्यनाथ पहले सामने खड़े हैं आपके गोरखपुर में, रास्ता उधर से ही गुजरता है ना। 24 में सरकार कांग्रेस की, AIM गठबंधन कर लेगी, दो बड़ी पार्टी हो जाएगी। मुसलमानों की पार्टी के नाम पे वो आ जाए, हिंदुओं की पार्टी के नाम पे ये आ जाए। जब ठेकेदारियाँ चल रही है, ठेकेदारी कर रहे हैं ना, तो दोनों मिलके हिंदू मुसलमान एक लोकसभा में बैठ के अपने बारे में कानून बनाएंगे, अपने चिची बातें कर लेंगे और हम देश चला लेंगे। भाजपा समाजवादी और तमाम पार्टी कहाँ जाएंगे? झोला उठा के चल दे, प्रधानमंत्री ने कहा है, इनके गुरु ने कहा है ना, जिनको मुलायम सिंह जी गुरु कहते हैं कि आप ही प्रधानमंत्री बन जाए, वो झोला उठा के चलेंगे, तो कहते झोला चल दे। मेरा तो यही मानना है, आज तो आग लग गई भाई, जितने भी कतली खूनी मर्डरिस्ट रेपिस्ट वो सब सपा में जा रहे हैं, क्या मजाक है? प्रधानमंत्री खुद तारीफ कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं। क्यों रहे हैं लोग, प्रधानमंत्री की बात भी झूठी निकल गई, कहिए फोटो तो दिख रही है ना उनकी, निकाल दिएगा योगी जी, योगी जी ने फोटो निकाल दी थी उनकी, फिर निकालेंगे, वो तो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। अब अगर वो चुनाव हारते हैं तब भी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि मोदी तो वैसे भी जाने वाला है, सरकार तो वैसे भी 24 मिनट की आने वाली नहीं है, फूर तो लंबी है, चुनाव तो हारने दीजिए उत्तर प्रदेश का, तब मजा देखिएगा। बिलबिलाएंगे भाग मरेंगे ये, ऐसे हम भी बिलाए मरे थे, तड़पेंगे ये, क्योंकि हमने अपनों को खोया है और इन्होंने मजाक बनाया था। ओ दीदी, और ये जो बैठेना चिलम वाले बाबा, ये गोरखपुर नहीं जाएंगे, ये जेल जाएंगे, इनके ऊपर भी कई कानूनी धारा लगेंगी, 56 मुकदमा है इनके ऊपर भी, मजाक नहीं तो खत्म हो गया मुकदमा सारा, मुख्यमंत्री बनने तक खत्म होता है, मुख्यमंत्री के बाद संविधान अपना हाथ तक खोल देगी। अगर क्यों अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, तो क्यों नहीं CDCBI गई थी, अब क्यों जा रही है DCBI? आप देखिए ना, बहुत खेल हो रहा है, जब से मुख्यमंत्री तो नहीं गया है, जब से प्रधानमंत्री बने हैं ये,
क्या हुआ बंगाल में, क्या हुआ सपा में, क्या हुआ बसपा के साथ, जो पता ही लड़ रहा उसके पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया। अडानी के अडानी के पोर्ट में मिलती है 3000 किलो ड्रग्स, उसका पता नहीं लगा। ठीक है, एक अहम सवाल और आखिरी सवाल है। जिस तरह से कहा जाता है गोरखपुर की राजनीति में ब्राह्मणों का जो वोट है, वोट बैंक जिस तरफ जाता है, अगर वो बसपा की तरफ गया मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, मुलायम सिंह बने, अगर अखिलेश की तरफ गया तो अखिलेश यादव बने, तो इस बार क्या लग रहा है ब्राह्मण वोट किस तरफ जा रहा है? कांग्रेस और एआईएम। कांग्रेस एआईएम, कांग्रेस एमआईएम, क्यों इन लोगों के साथ क्यों छोड़ रहे हैं आप लोग? मैंने दिखा बताया ना, इतनी बार बताई गुजरात में तो बताया नहीं, गुजराती में चोरी तो की नहीं, बताया ना कि ये दोनों पार्टियां मिल चुकी हैं। चलिए, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ महंत विजय शर्मा, जो तमाम मुद्दे बातचीत करते कह रहे हैं जिस तरह से कि जो सपा छोड़ के आ रहा है वो बीजेपी में शामिल हो रहा है, और जो बीजेपी छोड़ के आ रहा है वो सपा में शामिल हो रहा है, और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि यही दोनों ए टीम और बी टीम है। जिस तरह से कहा जाता है सुद्दीन वैसी जो है बी टीम की काम करते हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ये सेमीफाइनल कहा जाता है, और फाइनल जो मैच होगा दिल्ली की गद्दी की उसमें अहम रोल अदा करती है, और ब्राह्मण वोट भी ये उत्तर प्रदेश का जो अहम रोल अदा करते हैं। तो जिस तरफ ब्राह्मण जाते हैं उस तरफ उसकी सरकार बन जाती है, ऐसा कहा जाता है। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है, ये तो समय बताएगा। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।